जरा सोचिए, अगर सीरियल पिशाचिनी में पिशाचिनी का ही काम तमाम हो गया तो सीरियल का क्या होगा भाई? क्या करें, कुछ ऐसा ही लग रहा है राजपूत परिवार को कि उन्होंने पिशाचिनी का पत्ता साफ कर दिया है। वो क्या है ना कि दिवाली के दिन पिशाचिनी को जलाकर ही ये दीपावली का उत्सव मनाना चाहते हैं। दिवाली पर हो गया है सबसे बड़ा धमाका और इस धमाके में राख हो जाएगी पिशाचिनी। मुझे मत बांधो, मैं पिशाचिनी हूँ। अब पवित्रा के चलते राजपूत परिवार के सामने पिशाचिनी की सच्चाई आ गई है। वो सच्चाई जो अब तक पिशाचिनी 200 साल से छुपा कर रख रही थी। फाइनली वो मोमेंट आ गया है शो में, और जिसका पवित्रा से लेके ऑडियंस से लेके सबको इंतजार था कि कब पूरी फैमिली को पता चलेगा कि रानी ही पिशाचिनी है। पिशाचिनी वो उसका सच अच्छे लोगों के सामने आ जाएगा, एंड दैट फाइट विल नाउ बी वन ऑन वन, और मे बी सीधी हो जाएगी। वो पहले जो हिट एंड मिस का गेम चल रहा था वो बंद खत्म हो जाएगा। लेकिन जब इस पिशाचिनी का पाला टीवी की बहू से पड़ा तो भाई इसे बहुत भारी पड़ गया। ये देखिए ना कैसे आज इस पिशाचिनी को ठिकाने लगा रहा है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको सजा काट दूंगी मैं। सब एक ओर और पिशाचिनी एक ओर। हालांकि पिशाचिनी दावा कर रही है कि उसका ना बाल भी कोई बागा नहीं कर सकता, लेकिन ये तो उसका दावा है। जो होना था वो तो हो गया। पिशाचिनी को बांध कर उसे जला दिया जाएगा ताकि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अरे इन्होंने मेरा बच्चा चोरी कर लिया था, लेकिन आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस चाइल्ड बिकॉज ये बच्चा मेरे मकसद तक मुझे पहुँचाएगा। सो ये बहुत गंदा गेम खेला मेरे साथ मुझे कैद करने के लिए, एंड इसका बदला तो मैं लूंगी ऑब्वियसली। अब इन सब को तो हम यही कहेंगे बुद्धू कहीं के, कभी ऐसा होता है क्या? खलनायिका इतने जल्दी कभी मरेगी क्या? नहीं मरेगी वो तो, बल्कि लौटेगी और तबाही के साथ लौटेगी। पिशाचिनी तो पिशाचिनी है, भले मैं अभी कह दूं लेकिन फिर वापस जरूर आऊंगी, एंड आई विल किल देम ऑल, किल देम ऑल। हालांकि ऐसा नहीं है कि रानी का खेल खत्म, बल्कि खेल शुरू हुआ है, क्योंकि उसका असली रूप सबने देख लिया, सबके सामने आ गया, तो नाउ शी डजंट केयर। जो 20 साल पहले राजपूत परिवार के साथ हुआ था और उन्हें जो अभी तक ऐसा लग रहा था कि वो 20 साल पहले ही ख़त्म हो गया, वो अब वापस आ गया है उनकी लाइफ में, और वो अब और भी ज़्यादा यू नो भयानक तरीके से और रौद्र तरीके से लौटेगा। रॉकी और पवित्रा, भले ही इस दिवाली आप सेलिब्रेशन करें और आप लोग ये समझें कि पिशाचिनी का खात्मा कर दिया है आप सबने, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो लौटेगी और पहले से ज़्यादा और भी डरावनी होकर। हाँ, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। इन लोगों ने थैंकफुली मेरा बच्चा मुझे दे दिया है, लेकिन मुझे कैद भी कर दिया है। अब मुझे बहुत ही इंटेलिजेंटली पहले इस कैद से निकलना पड़ेगा, अपने बच्चे को ठीक से रखना पड़ेगा। गलती कर दी बच्चे को मेरे पास रख के, अब देखो एक बार छूट जाऊंगी तो मैं। पर्दे के पीछे का ये नज़ारा है जहाँ पर पिशाचिनी जब हवा में उड़ने की कोशिश कर रही थी ना, उस वक्त देखिए पिशाचिनी को भी कौन परेशान कर रहा था। अब यहाँ पर वानर सेना है जो पंगा ले रहे हैं पिशाचिनी से। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। Thank you.
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।